अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल और अल्लाह ताला के करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फियाज़ भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें, ख़ासतौर पर लाइक। आप ही तेरह को भी चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक है मेरी तरह, चाय वो भी बहुत ज़्यादा पीती है मेरी तरह, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा पहले चाय आप ही तेरह पिया करती थी, उसके बाद दूसरा नंबर मेरा था। अब हमारे घर में सबसे पहला नंबर भाई जवेद का है, उसके बाद आप ही तेरह का, और तीसरा नंबर जो है वो मेरा है। तो अब आपको पता होगा कि ईद के दूसरे और तीसरे दिन तो सभी मेहमान आए हुए थे, तो बच्चे भी आए हुए थे, बच्चों ने फिर दूध भी पीना होता है, सभी बच्चे छोटे हैं अभी तो दूध पीते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा भी दूध हमारे नहीं होता। तो फिर उससे पहले अम्मी ने कहा अम्मी जी मुझे चाय पीनी है, तो अभी अम्मी जी ने ना वो उस भैंस का जो बड़ी है ना सामने वाली, वो उधर बैठी हुई है, वो सामने वाली, तो वो सुबह हम नहीं उसका दूध निकालते, तो अभी शाम हो गई है तो उसका दूध निकालेंगे और फिर चाय बनाते हैं। अम्मी की कर दी डिनर बना दे पे अपनी ती वास्ते। वाह भी वाह, नहीं भूख क्यों नहीं भाई, अमेमा सो रही है अभी, वो देखें। चलो जी बाजी होने वास्ते बना दी हैं चाय, खुद भी पीते हैं तो चलो जी उन्होंने भी पिला दें। सारा तुसी पकान लगे हो? हाँ जी याद बहुत लग गया। अच्छा तो सी अब आप बनाऊंगी? हाँ। अच्छा अंडे को देख कर मैंने। चलो मुझे कितनी देर लगेगी? अद्धा घंटा लग जाएगा? बड़ी देर लग जाए, महीने सड़ जाना। अच्छा मौका भी धर रहे हो नाना? लिया देंगे सुबह, लिया देंगे बाजार खोल जाने फिर लिया देंगे। महिमा वो देखें सामने, अभी खाना हमने खाना है, सालन बना रही हैं अम्मी जी, और इधर से देखें कितनी तेज़ आंधी आ रही है, इधर से ऊपर देखें। ये देखें आ गई भैया आंधी, बच्चे आंधी है, ये तो देखने कितना खुश है मिस्टर मोगरी साहब। अभी देखते हैं हमारा सालन कितना कहाँ तक पहुंचा अभी, और इधर अम्मी जी ने रखा हुआ है सालन अभी। अम्मी जी रोटी आटा गूंथ रहे हो? अच्छा क्या हुआ बेटा? मम्मा के पास जाना है? मम्मा उधर है आपकी किचन में, मम्मा किचन में है, अमीमा मम्मा किचन में है। विराकड़ी खेला प्लास्टिक बैग जिसे शापर भी बोलते हैं,
इसने उसके साथ ना जहाँ से पकड़ते हैं ना वहाँ से इसने वो धागा जो होता है वो बांध के ना आप देखिए पतंग बनाया हुआ है इसने। देखिए उड़ा अब ये उड़ा रहा है। मैं तो कल्ली रोटियां पका रहे हो मैं ले पका दियो। हाँ जी नहीं 100 रुपया तो खाई से और दूसरी रोटी नहीं लंघती फिर वैसे तो माँ माँ ही होंगी देख लो पहले रोटी पका लेंदी अम्मी जी अग भी बाल रहे ते रोटियां भी खुद सेक रहे ते बना भी रहे भाई गोश्त नहीं सी ना खानी नहीं नहीं गोश्त आज जड़ा ना इस ते खा खा के आंदे ने रज गए हैं ते मैं कहा चलो आज अंडे ना खा लेंगे। अच्छा अंडा बनवाया सच गोश्त पता नहीं भाई की है कुर्बानी ते नहीं खाया जाता इना। हाँ जी ताही अबू जी नहीं खाता जाता इधर देखो किसके ऊपर बैठे हो हैं केड़ी के ऊपर बैठे हो। अच्छा इधर आओ ना आगे क्या बिल्ली भाई हम लोग थोड़ा सामान छोड़ने गए हुए थे कहीं तो वहाँ से आप लोग इस बैलगाड़ी कह लें इस पे बैठ के हम लोग घर जा रहे हैं और शाम का वक़्त है। सच्ची में इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे कभी इतना मज़ा नहीं आया इस बैलगाड़ी पे बैठ के झूले लेने का ना आज बड़ा मज़ा आ रहा है सच्ची में बच्चों के साथ क्योंकि बच्चों ने आज बहुत हंसाया बहुत तंग किया मुझे तो बड़ा मज़ा आया सच्ची क्योंकि बादल भी आए हुए थे ठंडी ठंडी हवा भी हल्की हल्की सी है और बैलगाड़ी। अच्छा भाई हम लोग लेने आए हुए हैं अभी चारा काटा हुआ है भाई जवेद के सर पे रखाना है तो इस वजह से मैं आया हुआ हूँ भाई जवेद के साथ। भाई जवेद ने बोला था मेरे साथ जाएं और ये किन्नू माशाल्लाह इस बार किन्नू बहुत ज़बरदस्त लगे हैं इस पौधे को ना किन्नू वाले को पिछले साल इसे एक भी किन्नू नहीं लगा था क्योंकि उससे हैं दो लब्बे सी मतलब ना होने बराबर एडे बूटे न यार। हाँ जी ये मौसमी लगे हुए ने ये वड्डे हुए ने पट्ठे ये जड़े असं उठाने तो भाई जवेद सर ते रखाने लै जाएगा जान दे भाई नसरूला का पानी पीता भाई नसरूला का झूठा है जान दिया कर यार आप होता यार बड़ा माशाल्लाह सही जा रहा है
सारे मेरी हद लगा हुआ, मेरी हद पौधे बड़े होंगे माशाला। जगह ठीक है, जगह छड़ इतने घा सारा सी, वह भी तो उदन की जगह से लगी हुई है। मन लिया करो आ भी तो मेरी हद लगे, आ देख सामने किडे सोने पौधे, बाकी सारे उन्होंने प्यारे पे है। है लेकिन इन्ने नहीं जिन्हें आप है। करो ना हलो यार, हूं तो अद्धा माल वेच दिता, अद्धे तो भी थोड़ा रह गया। यार मधोड़ी जी लड़ गई है, दो दफा गया डॉक्टर को लेकिन काफी तबीयत खराब है। चुकावा मैं लेने आया हुआ था पानी, और अभी ये जो खेत आप देख रहे हैं ये हमारे हमसायों के खेत हैं, और इन्होंने ना इन खेतों में पानी लगाया है। अब ये यहाँ मूंगा जो होता है ना, मूंगी वो काश्त करेंगे यहाँ। मुझे कन्फर्म पता नहीं है कि वो यहाँ क्या काश्त करते हैं, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो वो ज़्यादातर मूंगी ही काश्त करते हैं, बाजरा वो काश्त नहीं करते, क्योंकि बाजरा यहाँ काश्त कर देते हैं। जिधर बाजरा काश्त होता है ना जिन खेतों में, वहाँ गंदम की पैदावार बहुत कम होती है फिर, तो इस वजह से ज़्यादातर वो मूंगी काश्त करते हैं। क्योंकि जो कटाई वाले होते हैं ना वो काट के दे जाते हैं, और जो उसका भूंसा वगैरह होते हैं ना वो ले जाते हैं, तो इस तरह बंदे को ना काफ़ी बचत हो जाती है। और बाजरे वाले जो होते हैं, बाजरे का इतना एक तो रेट नहीं होता जब सेल करना होता है, तो दूसरा ये कि यहाँ वो खेत भी ख़राब होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो तकरीबन 2.5 एकड़ है ये प्लॉट जो उन्होंने जिधर पानी लगाया है, जिसे हम लोग पंजाबी में कहते हैं कि रोनी कीती है इन्होंने। आ देखो मैं बलटोई इन्हों असी बोलते हैं, गड़वा भी बोलते हैं तो बलटोई भी बोलते हैं, तो कुछ गागर भी बोलते ने। यह मैं सिर ते रखी हुई है, तो पानी लेके जा रहे हैं। आ इस खेत में पानी लगाया ना, तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना जमीन की, रेत की बहुत प्यारी खुशबू आती है, मन बहुत प्यारी लगती है। हूँ पानी बनने भाई अब्बास गए हुए ने, ओ देखो सामने खड़े। तकरीबन 3.5 एकड़ तो लैके 4 एकड़ का तकरीबन फासले ते खड़े ने, वो जितों मैं जूम करके तुम्हें दिखा रही हूँ। और कवे देखें इधर पानी लगा के गए हैं, और कितने खुश हैं वो सब कवे। ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।